राजस्थान में हाल ही में मुख्यमंत्री की सख्त चेतावनी के बाद पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। राजस्थान पुलिस ने एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की सूचना पर वांछित भगोड़े अमरजीत विश्नोई को इटली के सिसली प्रांत में गिरफ्तार करवाया है। एडीजी क्राइम ब्रांच दिनेश एमएन ने पुलिस मुख्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए इस महत्वपूर्ण गिरफ्तारी की जानकारी दी है। अमरजीत विश्नोई, जो बीकानेर के बिछवाल का निवासी है, उस पर कई आपराधिक मामले दर्ज है और वह लंबे समय से फरार चल रहा था। उसकी गिरफ्तारी से राजस्थान पुलिस को बड़ी राहत मिली है। अमरजीत विश्नोई का नाम रोहित गोदारा गिरोह से जुड़ा हुआ है, जो राजस्थान में कई संगीन वारदातों को अंजाम दे चुका है। पिछले 10 महीने पहले राजस्थान पुलिस ने उसके गुर्गों को भी गिरफ्तार किया था। अमरजीत विश्नोई का पासपोर्ट बहुत पहले बन गया था, जिसकी मदद से वह इटली पहुंचा था। एडीजी दिनेश एमएन ने बताया कि इस तरह के आपराधिक की घटना पहले राजस्थान में नहीं देखी गई थी और यह गिरफ्तारी राज्य की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। राजस्थान पुलिस अब अमरजीत विश्नोई को जल्द ही भारत लाने की प्रक्रिया में है। इस गिरफ्तारी से स्पष्ट हो गया है कि पुलिस किसी भी अपराधी को बख्शने वाली नहीं है और मुख्यमंत्री की सख्त चेतावनी के बाद पुलिस का अभियान और भी मजबूत हो गया है। गोदारा गैंग के जो दो मुख्य साथी है, उसमें एक अमरजीत विश्नोई है, दूसरा वीरेंद्र चारण है। इस अमरजीत विश्नोई राजू टेक मर्डर में वांटेड था और प्लस इस गैंग का बहुत सक्रिय सदस्य था। और इसके अलावा अभी जो एक सचिन गोदा मर्डर हुआ था, उसमें भी संदिग्ध मानते हैं हरियाणा पुलिस उसको। और जितने भी एक्सटॉर्शन वगैरह होते थे, जितने भी इस गैंग ने वारदातें की है, उसमें पूरा नंबर्स प्रोवाइड करना और कॉलिंग करवाना और डब्बा कॉलिंग करवाना, तो इस तरह की चीज़ों में वांटेड था, इस तरह के इन्वॉल्व था। तो काफ़ी टाइम से AGTF की टीम, हमारे योगेश यादव साहब, DIG साहब है, प्रफुल्ल जी AG साहब है, हमारे एडिशनल SP विद्या प्रकाश, सिद्धांत, नरोत्तम वर्मा, और हमारे इंस्पेक्टर्स है मनीष है, प्लस हमारे जो रविंद्र प्रताप है, सुनील है, ये लोग पूरा काफ़ी दिन से पीछा कर रहे थे इसको, ये पता करने के लिए कि जितने भी बाहर है उनकी लोकेशन क्या है, कहाँ है। तो इनके सबसे बड़ा चैलेंज था कि ये पता करना कि इंडिया में है या नहीं है और विदेश में है तो भी कहाँ। तो हमारी टीम ने जब से पिछले 7-8 महीने से हम लोग इस गैंग के जितने भी जो सपोर्टर्स है उनको पूछताछ करना, उनका मोबाइल चेक करना, उनको अरेस्ट करना, उनकी इंट्रोगेशन करना, ये लगातार कार्रवाई चल रही थी। इसी बीच में हमारी टीम को पता चला कि इटली में है और उस सूचना को हमने डेवलप किया तो पता चला कि एक त्रपानी एक सिटी है, सिसिली है, सिसिली एक टापू है, एक आइलैंड है, वहाँ एक त्रपानी एक छोटा सा कस्बा है, 50,000 की आबादी है, वहाँ इसकी होना पता चला। और इसके अलावा ये भी पता चला कि वहाँ किस एड्रेस में रह रहा है। ये सब पता चलने के बाद हमारे योगेश यादव के नीचे एक हमारी एक इंटरपोल की एक हमारी टीम है, जैसे इंटरपोल मतलब जितने भी जो बाहर की जो एजेंसीज के साथ संपर्क साधना, उनको बाहर वालों को क्रिमिनल्स को लाने के लिए जो CBI के थ्रू हम प्रोसेसेस भेजते हैं, उन सब के लिए हमने कोशिश किया। तो उसके बाद सबसे पहले एक इंटरपोल रेफरेंस होता है, इंटरपोल रेफरेंस भेजा गया, उसके बाद इसके रेड कॉर्नर नोटिस निकलवाया गया और निकालने के बाद एग्जैक्ट स्पेसिफिक सूचना जब CBI के थ्रू, इंटरपोल के थ्रू, इटालियन अथॉरिटीज़ को हमने भेजा है, तो उसके बाद 8 जुलाई को एक त्रपानी सिटी है वहाँ इसको वहाँ के हमारे जो इंटरपोल के रिक्वेस्ट के बेसिस पर रेड नोटिस जो निकला हुआ था उस बेसिस पर उसको त्रपानी पुलिस ने अरेस्ट किया, अरेस्ट करके CBI के थ्रू हमें इन्फॉर्म किया। वो अभी वहीं रह रहा था एक बार वहाँ, क्योंकि हमारे टीम के कोई मेंबर ने उसे अभी तक पूछताछ की नहीं है। अभी जस्ट हमें यही सूचना मिली है कि हमारे रिक्वेस्ट पर त्रपानी पुलिस ने अरेस्ट किया है उसको, हम अभी हमारे उसको वापस लाने की पूरी प्रक्रिया चल रही है। जब पूरी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, जब लाएंगे, तो उसके बाद हम डिटेल में ये बता पाएंगे एग्जैक्टली कहाँ रह रहा था, क्या कर रहा था। इतना लंबी है, हम एग्जैक्टली टाइम नहीं बता सकते इसमें। इंटरपोल के थ्रू उसके बाद हमारे जो एक्सटर्नल मिनिस्ट्री है वो इन्वॉल्व होगा और तो उसको हमें केस आर्ग्यू करना पड़ेगा, उसके बाद हम ला पाएंगे इसमें। नहीं, वो तो दे ही सकता है, ठीक है। इसके अलावा भी और भी मेम्बर्स हैं, अब जो भी अगले बार देंगे तो उनके खिलाफ भी एक्शन लेंगे। पाकिस्तान में करीब अभी एज ऑफ नो 8 केस है, इसके 8 केसों में वांटेड है, जिसमें डकैती और 307 के केस है, आर्म्स एक्ट है, मर्डर के केस है,
इन सब में। नहीं, राज सबसे बड़ा तो राजू टेट का केस था, जिसमें इसके इसके भाई सरजीत भी अरेस्टेड है, अभी जेल में है, और इसकी एक महिला मित्र थी सुधा कंवर, वो भी अरेस्ट हुई, वो उसकी भी लेकिन जमानत हो गई, वो भी अरेस्ट हुई थी, उसमें सबसे बड़ा केस वही है। नहीं नहीं, उनके थ्रू हमारा ज्वाइंट टीम जाएगी, ज्वाइंट टीम जाके मिलेगा हमें। नहीं, लेकिन इसमें इसका रेड नोटिस हमने निकलवाया था, राजस्थान पुलिस ने निकलवाया था, तो और एनआईए के केस में ये वांटेड नहीं है अभी। सर, ये पासपोर्ट कहाँ से बना? ये पासपोर्ट इसने अपने नाम से बनवाया था पहले ही, नहीं तो राजस्थान से बनवाया, अपने नाम से बनवाया था, बीकानेर से ही बनवाया था। लेकिन लोगों को आइडेंटिफाई करना, प्लस बेसिकली एक तरह से कंट्रोल रूम टाइप था, जैसे डब्बा कॉलिंग करवाना और एक दूसरे से बात करवाना, प्लस नंबर निकलवाना जैसे को अगर एक्सट्रॉशन देना है इस तरह से, और लॉजिस्टिक सपोर्ट बोलते हैं ना उस तरह से। यस, राजस्थान में अरेस्ट हुआ था, अरेस्ट होकर जमानत पे गया, उसके बाद 2022 में करीब जुलाई के आसपास यहाँ से दुबई गया, दुबई से साइप्रस गया, साइप्रस के बाद इटली गया। नहीं, जितने भी पहले वाले केसों में, राजू टेट के अलावा पहले वाले केसों में अरेस्ट हुआ है, वारदात हुई तब बाहर था, बाहर से रह के करवाया था। एक्सट्रॉशन केस है और बीकानेर में 307 की केस है, इन सब में बीकानेर वाले केस में तो रोहित गोदारा के साथ ही अरेस्ट हुआ है, वहाँ प्रोबेबली अक्टूबर से रहा था पिछले साल। नहीं, वहाँ ये क्योंकि यही हमारा वांटेड था, इसी को अरेस्ट किया है, किसी को साथ रहता था शायद, वो अभी अथॉरिटी से पता चलेगा। इसके जो पुराने केसों में जमानत हो गई थी, पुराने केसों में हो गई थी, लेकिन अभी राजू टेट में अरेस्ट ही नहीं हुआ है, इसका सबसे बड़ा केस राजू टेट का ही है। ये सर, जो गोल्डी संपर्क में था, नहीं नहीं, ये बेसिकली रोहित गोदारा इन सबके संपर्क में था। नहीं, इसका अभी केस एनआईए के पास है, हमने पता कि एनआईए में इसको चार्जशीट किया नहीं, चार्जशीट नहीं किया, लेकिन अभी इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, 50,000 का इनाम। टेट वाले में जैसे ये इसकी भाई है और वो उसकी जो गर्लफ्रेंड है, इन सब के जो लॉजिस्टिक्स देना, जैसे जो वारदात करने आए थे उनको रुकवाना, पैसे भिजवाना, वापस बकाना, इन सब में था, पूरा प्लानिंग में, वेपन सप्लाई में, जो वेपन आया था वेपन सप्लाई में, इन सब में था। नहीं, वहाँ की भी सूचना नहीं। नहीं नहीं, पासपोर्ट पहले ही बन गया था, बहुत पहले बन गया था पासपोर्ट, और ऐसा नहीं है कि अभी एक दो साल पहले बनाया, उससे बहुत पहले बन गया था पासपोर्ट। जैसे हाँ, सचिन गोदा वाले हरियाणा का मर्डर हुआ तो उसमें भी संदिग्ध है। नहीं, ये जैसे आप जानते हो, जैसे हमारे सुजानगढ़ है, बीकानेर है, काफ़ी युवा है ना, पहले पासपोर्ट बनवा लेते हैं।